संध्या में भागलपुर के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया था कि कुछ अपराधकर्मी मादक द्रव्य के खरीद बिक्री के लिए नवगछिया में जुटे हुए हैं। इसकी सूचना एसपी साहब को दी गई। एसपी साहब के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें नवगछिया के बहुत सारे पदाधिकारी, जिसमें नाम इसमें लिखा हुआ है, और भागलपुर की टीम, दोनों मिलकर के हम लोग वाहन चेकिंग स्टार्ट की। वाहन चेकिंग के क्रम में विक्रमशिला पहुँच पथ के पास में एक काला रंग के अपाची मोटरसाइकिल पर बैठे दो व्यक्ति की जब तलाशी की जा रही थी, तो उनके पास कुछ मादक द्रव्य मिला है, जिसमें स्मैक है और गांजा भी है। उनके पास से बरामद हुआ है 4 मोबाइल, कुछ पैसा रिकवर हुआ है, और डिक्की तोड़ने वाला एक मास्टर की बोलते हैं उसको, वो मिला है। एक ऐसा मोटरसाइकिल का चाबी मिला है जिससे किसी भी हीरो होंडा के मोटरसाइकिल को लोग ओपन कर सकते हैं। इनसे गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये कहीं से खरीद के लेके जा रहे थे मादक द्रव्य, और इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। भागलपुर में कई लूटकांड का इन्होंने अंजाम दिया है, हमारे नवगछिया में भी कई कांड का उद्भेदन हो गया है इनके पकड़े जाने से। इसके साथ और भी साथी थे जो बच निकले हैं, जिनकी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। कितने लोग का ड्यू होता सर? अभी जो कल थे 4 लोग थे, लेकिन इनके टीम में लगभग 50 लोग हैं, और इनका मुख्य काम है बैंक में शिकार का तलाश करना, और बैंक से निकलने के बाद पीछा करके उनको किसी ऐसे जगह पर जहां इनको लगता है कि ये लूज है, वहां से लेके झपट के पैसा भाग जाते हैं। कभी कभी बल का भी प्रयोग करते हैं। तो इस टीम के ऊपर में भागलपुर की DIU टीम काफ़ी दिन से वर्क कर रही थी, और उन्हीं के द्वारा हम लोगों को ये सूचना दी गई। क्रिमिनल का ग्रुप है, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, तो ये लूट झपट के साथ में मादक द्रव्य के स्मगलिंग का भी काम करते हैं। तो हम लोगों ने जो पकड़ा है वो गांजा है और स्मैक है, और बाकी डिक्की उक्की तोड़ने वाला इनके पास सामान। कितना गांजा और स्मैक है? मात्रा है इसमें लिखा हुआ है, 1 किलो 300 ग्राम गांजा है, चरस है 15 गुड़िया, और ये खुजली करने वाला एक पाउडर भी रखते हैं, इचिंग पाउडर रखते हैं, कि अगर किसी शिकार को अगर इनको ये करना है तो उसके शरीर पर वो छिड़क देते हैं, जिससे वो खुजली करता है और उसका ध्यान अपने बैग से हट के खुजली वाले स्थान पे चला जाता है, और ये मौका पाकर उसका बैग या पैसा लेके भाग जाते हैं। नगद रुपया भी बरामद हुआ है 32,500 रुपया, 4 मोबाइल है। मार्केट रेट कितना होगा गांजा या चरस का सर? अनुमानित कीमत अगर देखा जाए तो लगभग 50,000 रुपये। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन लोग हैं ये रहने वाले? एक हैं सुदामा उर्फ संतोष यादव उर्फ विशाल यादव, और इनके पिताजी का नाम है रामलाल यादव। दूसरा है नंद किशोर कुमार उर्फ नटराज, पिता का नाम क्रांति यादव। दोनों ग्राम जुरावपुर एक जगह है, जुरावगंज थाना कोढ़ा, कोढ़ा का ही ये गैंग है मूल रूप से। तो जुरावगंज को हम लोग पहले से जानते हैं, वहाँ से बहुत सारे अपराधी भिन्न भिन्न जिले में जा करके लूटपाट के काम करते हैं। और साथ में अभी जो हम लोगों को नया निवेदन हुआ है कि इनके द्वारा स्मगलिंग का भी काम किया जा रहा है, नशे का भी कारोबार किया जा रहा है।